गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में अपनों ने आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के एग्जांपल्स के बारे में बात किया था। ऑन द बेसिस ऑफ द आईआर स्पेक्ट्रा वी वर सॉल्विंग द एग्जांपल्स। आज के टॉपिक में अपने को डिफरेंस बिटवीन देना। क्वेश्चन आएगा एग्जांपल्स में, एग्जांपल डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्थोक्लोरोफिनॉल एंड पैराक्लोरोफिनॉल। तो ये जो डेटा है वो आपको याद ही हो गया होगा अब तक। So these are the data you should know about the IR spectroscopy. इसके basis पे अपने को इसका differentiation करना है, ठीक है? So differentiate between orthochlorophenol and parachlorophenol. तो सबसे पहले orthochlorophenol का structure बना देते हैं। This is OH and this is chlorine. Chlorine at the ortho position. Similarly this is parachlorophenol. Okay, अब phenol में OH group है, OH group में hydrogen bonding होगा, तो orthochlorophenol में H and Cl के बीच में bond बनेगा, intermolecular hydrogen और intramolecular hydrogen bond. Okay, तो molecule के अंदर ही यहाँ पे बॉन्डिंग बन रहा है, so it is an example of intramolecular hydrogen bonding. लेकिन यहाँ पे ऐसे intramolecular hydrogen bonding possible नहीं है, तो क्या होगा? दो molecules के बीच में bonding होगा, first parachlorophenol and second parachlorophenol, ये hydrogen and ये oxygen के साथ bonding होगा, intermolecular bonding. So this is the first point. What is the next point? In orthochlorophenol, intramolecular hydrogen bonding is observed. So we get band at 3200 centimeter inches. ये मुझे कैसे पता चला? On the basis of this data, मेरे को पता है कि ये orthochlorophenol है and orthochlorophenol में intramolecular hydrogen bonding होता है. तो intramolecular hydrogen bonding होगा, then bond band will be at around 3200 to 3300. तो मैं यहाँ पे एक point लिख सकता हूँ कि orthochlorophenol में intramolecular hydrogen bonding होता है, तो band मुझे कहाँ पे मिलेगा? At 3200 centimeter inches. Now same parachlorophenol. Parachlorophenol में suppose एक ऐसा है, clear? Suppose ऐसा bonding हो रहा है, इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो बैंड विल बी अराउंड 3300. सो व्हाइल राइटिंग इन पैराक्लोरोफिनॉल, ऑन डूइंग आईआर स्पेक्ट्रा वी गेट बैंड at 3300 centimeter inverse. मुझे 3300 centimeter inverse में मिल रहा है band. लेकिन मुझे थोड़ा confusion हो रहा है कि intra या inter हो सकता है, because ये intra का भी 3300 है, inter का भी 3300. तो मैं क्या करूँगा? I will add some water. इसमें मैं थोड़ा पानी add करूँगा. Clear? So on dilution, the band becomes 3650 centimeter inverse. जैसे मैंने पानी डाला, तो क्या हो रहा है? ये जो bond है, वो break हो जाएगा. Inter atomic inter hydrogen bonding हो रहा है, intermolecular hydrogen bonding. इसके वजह से जैसे मैं पानी डाल रहा हूँ, तो ये bonding break हो जा रहा है, and ये जो OH है, वो free बन जाएगा. So free OH, free
हाइड्रोजन बॉन्डिंग फ्री OH का जो है उसका रेंज है 2500 टू 3000, तो सॉरी टू फ्री OH इज 3600, सो 3600 के रेंज में मुझे इसलिए मिल रहा है क्योंकि यहां पे मैंने हाइड्रोजन ऐड किया है और इसका इंटर हाइड्रो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। यहां पे मैं डाइल्यूशन करूंगा तो अभी मुझे कोई यहां पे कोई फर्क नहीं होगा बिकॉज ये इन दोनों के बीच में एक ही मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड बन रहा है, लेकिन यहां पे दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड बन रहा है, सो आई कैन से कि दिस इज द इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड दिस इज इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट, वी गेट अ पीक इन द रेंज ऑफ 720 to 730 सेंटीमीटर इनवर्स। 720 और 730 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में भी मुझे एक पीक मिल रहा है, वो किसका है? ऑर्थो पोजीशन का, इजंट इट? सो आई कैन से, सो वी कैन से दैट द मॉलिक्यूल इज ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड। ये जो पॉइंट्स है वो आपको खुद ही बना के लिखना है ऑन द बेसिस ऑफ द आईआर वैल्यूज। तो मुझे पता है कि ये ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड है तो बैंड कहां पे मिलेगा, इन बिटवीन 735 टू 770, तो मैंने यहां पे लिखा कि मुझे एक पीक मिला कहां पे, 720 से 730 के बीच में, तो मैं बोल सकता हूं कि ये ऑर्थो डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है। Here we get a peak at the range of 820 centimeter inwards. So we can say that the molecule is para substituted. Clear? So ortho chlorophenol and para chlorophenol, उसका स्ट्रक्चर क्या है वो मुझे पहले से ही पता है, and I know the values of IR spectra, ये भी मुझे by heart है, तो इसके basis पे मैं ये points बना दूंगा ताकि difference between हो जाए। इन दोनों के बीच में difference क्या है? फर्स्ट डिफरेंस ये है कि इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, तो वो डिफरेंस मैंने कैसे लिखा, हियर इट कम्स इन द रेंज ऑफ 3200, हियर इट कम्स इन द रेंज ऑफ 3300, तो मैंने एक और स्टेप ले लिया, आई हैव एडेड सम वाटर, थोड़ा पानी डाला था, मेरा पीक जो है वो 3650 पे आया, तो मैंने कंफर्म कर लिया कि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। सेकंड डिफरेंस क्या है इसमें, कि यहां पे क्लोरीन जो है वो ऑर्थो पोजीशन पे है एंड यहां पे पैरा पोजीशन पे, तो ऑब्वियसली ऑर्थो पोजीशन का पीक कहां पे होगा, 720 से 730 के बीच में, एंड पैरा पोजीशन का पीक होगा इन बिटवीन एट अराउंड 820, तो मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूं ऑन द बेसिस ऑफ आईआर स्पेक्ट्रा कि ऑर्थो क्लोरोफिनॉल एंड पैरा क्लोरोफिनॉल कैसे डिफरेंशिएट होंगे। राइट डाउन दिस, so first difference between was between orthochlorophenol and parachlorophenol, the second difference between agar that is in between ethanol and acetone, ab ethanol and acetone ke beech mein difference between likhna hai on the basis of IR spectra, to ethanol and acetone ka jo structural formula hai that is CH3 CH3, CH2, OH, एसीटोन का क्या है CH3, CO, CH3, सो दिस इज CH3, CH2, OH एंड दिस इज CH3, CO, CH3.
तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है? फर्स्ट डिफरेंस मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे OH ग्रुप है और यहाँ पे OH ग्रुप नहीं है, दैट इज माय फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस ये है कि यहाँ पे CO ग्रुप है एंड यहाँ C डबल बॉन्ड O ग्रुप है एंड यहाँ पे C डबल बॉन्ड O नहीं है, दैट इज माय सेकंड डिफरेंस। यहाँ पे एक CH2 है, आई हैव वन CH2 लेकिन यहाँ पे दोनों CH3 है, लेकिन यहाँ पे मुझे एक CH2 मिल रहा है। फोर्थ इज यहाँ पे C सिंगल बॉन्ड O है लेकिन यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है। ओके, सो देयर आर फोर डिफरेंसेस। फर्स्ट इज इसमें OH ग्रुप है, इसमें OH ग्रुप नहीं है। सेकंड इज इसमें CO ग्रुप है, इसमें CO ग्रुप नहीं है, C डबल बॉन्ड O कीटोन ग्रुप नहीं है। थर्ड इज इसमें एक CH2 है, वहां पे CH2 नहीं है, यहां CH3 है, वहां पे CH3 है, तो डिफरेंस नहीं हुआ, वो सिमिलैरिटी है, बट यहां पे एक CH2 है और वहां पे CH2 नहीं है, और यहां पे एक C सिंगल बॉन्ड O भी है। तो ये चार पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो गए। तो व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट हियर? ड्यू टू OH ग्रुप अ बैंड is observed at 3200 centimeter inverse. OH ग्रुप के वजह से मुझे बैंड मिलता है 3200 सेंटीमीटर इनवर्स पे। ऑन डाइल्यूशन इट बिकम्स 3650 सेंटीमीटर inverse due to hydrogen bonding होता है, कौन सा? intermolecular hydrogen bonding, जिसके वजह से dilution जब होगा तब peak मुझे मिलेगा 3650 पे। यहाँ पे सामने क्या point आएगा? No band is observed due to absence of OH ग्रुप। यहाँ पे कोई OH ग्रुप है ही नहीं, तो यहाँ पे OH ग्रुप का कोई बैंड नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हियर ड्यू टू C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे जो C डबल बॉन्ड O है उसके वजह से वी गेट बैंड एट 1690 टू 1760 सेंटीमीटर इनवर्स। तो C डबल बॉन्ड O के वजह से मुझे कहां पे बैंड मिलेगा? इन बिटवीन 1690 टू 1760 इनवर्स। तो यहां पे क्या लिखना है? C डबल बॉन्ड O ग्रुप इज एब्सेंट, यहां पे एब्सेंट है तो यहां पे कोई बैंड नहीं मिलेगा, यहां पे प्रेजेंट है तो मुझे बैंड कहां पे मिलेगा? इन बिटवीन 1690 एंड 1760। अब कौन सा आया? CO due to C single bond O we get a band in between 1050 to 1300 centimeter inverse. See, C single bond O, due to the C single bond O we get a band in between 1050 to 1300 inverse. यहाँ पे क्या लिखना है? C single bond O group is absent. ठीक है? अब क्या आया बाकी बचा? CH2 due to CH2 group we get a band at 1350 to 1470 centimeter inverse सामने CH2 group is absent, so no band is observed. क्लियर? तो आपको पता होना चाहिए कि इस
इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? इथेनॉल एंड एसीटोन, इथेनॉल एंड एसीटोन, इथेनॉल इज CH3CH2OH एंड एसीटोन इज CH3COCH3। फिर मैं इसमें देख सकता हूं इसमें क्या डिफरेंस है। तो मैंने यहां पर फर्स्ट डिफरेंस देखा कि यहां पे OH है और यहां पे OH नहीं है, तो उसके बारे में मैंने आईआर डेटा लिख लिया। फिर मैंने देखा कि CO यहां पे है और CO यहां पे, C डबल बॉन्ड O यहां पे है और यहां पे C डबल बॉन्ड O नहीं है, तो वो भी एक डिफरेंस है। फिर मैंने देखा कि यहां पे C सिंगल बॉन्ड O है, यहां पे C सिंगल बॉन्ड O नहीं है, वो भी एक डिफरेंस है। फिर मैंने ये देखा कि यहां पे CH2 ग्रुप है और यहां पे CH2 ग्रुप नहीं है, सो दैट इज आल्सो वन डिफरेंस। क्लियर? तो आई गॉट 4 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ आईआर स्पेक्ट्रा इन द डिफरेंशिएशन बिटवीन इथेनॉल एंड एसीटोन। क्लियर? राइट डाउन दिस। Now, third difference, तीसरा जो difference है वो है in between propanol and propanol. Propanol is CH3, CH2, CHO and propanol is your acetone, that is CH3, CO, CH. तो यहां पे एक बार स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देते CH3 CH2 CHO। यहां पे क्या है CH3 CO CH3। क्लियर? तो यहां पे मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे एक C डबल बॉन्ड O है एंड यहाँ पे एक C डबल बॉन्ड O है, बट ये जो है वो एल्डिहाइड का है एंड ये जो है वो कीटोन का है। बैंड तो मुझे मिलेगा नहीं, बट क्या डिफरेंस होगा वो मैं अभी बताता हूँ। सेकंड डिफरेंस ये है कि ये एल्डिहाइड है एंड ये कीटोन है, दैट इज माय सेकंड डिफरेंस। थर्ड डिफरेंस ये है कि इसमें CH2 ग्रुप है, इसमें CH2 ग्रुप नहीं है। तो मैं फर्स्ट पॉइंट लिखता हूं ऑन द बेसिस ऑफ C double bond O। तो C double bond O का कहाँ पे है? In between 1690 to 1760. Due to C double bond O, we get band at range of 1690 to 1760 centimeter. इनवर्स यहां पे भी सेम लिखना है, ड्यू टू सी डबल बॉन्ड ओ वी गेट बैंड इन द रेंज ऑफ 1690 टू 1760 सेंटीमीटर इनवर्स। बट ये एल्डिहाइड का सी डबल बॉन्ड ओ है, ये कीटोन का सी डबल बॉन्ड ओ है, तो आईआर स्पेक्ट्रा में दिस विल बी एट हायर साइड, ये थोड़ा ऊपर होगा एंड दिस विल बी एट लोअर साइड। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों सी डबल बॉन्ड ओ का बैंड देगा, बट हियर बिकॉज ऑफ द एल्डिहाइड ग्रुप ये थोड़ा ऊपर बैंड देगा एंड हियर बिकॉज ऑफ द सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप इसका बैंड थोड़ा नीचे होगा। सेकंड पॉइंट, सेकंड डिफरेंस क्या है? यहां पे एल्डिहाइड ग्रुप है, यहां पे एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है। ड्यू टू CHO वी गेट अ डबलेट इन द रेंज ऑफ 2700 टू 2900 सेंटीमीटर इनवर्स। यहाँ पे CHO ग्रुप है तो मुझे क्या मिलेगा? डबलेट बिकॉज ऑफ द फर्मी रेजोनेंस, तो मुझे यहाँ पे CHO के बदले CHO के वजह से मुझे यहाँ पे डबलेट मिलेगा। यहाँ पे नो CHO इज प्रेजेंट
एल्डिहाइड इज ग्रुप इज नॉट इज एब्सेंट सो वी डोंट गेट अ डबलेट. मुझे डबलेट नहीं मिलेगा इन द रेंज ऑफ 2700 टू 2900. थर्ड पॉइंट क्या है, यहाँ पे CH2 ग्रुप है, वहां पे CH2 ग्रुप नहीं है. सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ CH2 ग्रुप वी गेट अ बैंड एट 1350 टू 1470 सेंटीमीटर इनवर्स. CH2 ग्रुप के वजह से मुझे जो बैंड मिलेगा वो 1350 से 1470 के बीच में होगा. हियर CH2 ग्रुप इज एब्सेंट सो नो बैंड इज ऑब्जर्व्ड इन दैट रेंज. यहाँ पे CH2 ग्रुप एब्सेंट है तो वहां पे CH2 का जो बैंड होगा वो एब्सेंट होगा. सो द डिफरेंस बिटवीन प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉल में क्या है एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप, कीट और प्रोपेनॉन में क्या है कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप. फर्स्ट पॉइंट क्या है कि एल्डिहाइड में भी सी डबल बॉन्ड हो है, कीटोन में भी सी डबल बॉन्ड हो है, तो दोनों सी डबल बॉन्ड का जो फ्रीक्वेंसी है जो पीक है वो देगा, बट दिस विल बी द हायर साइड एंड दिस विल बी द लोअर साइड. सेकंड जो एल्डिहाइड की वजह से जो डबलेट मिलेगा वो प्रोपेनॉल में मिलेगा बट प्रोपेनॉल में डबलेट नहीं मिलेगा. एंड CH2 के वजह से एक पीक मुझे मिलेगा 1350 से 1470 के बीच में, लेकिन यहां पे CH2 ग्रुप एब्सेंट है तो मुझे वहां पे कोई पीक नहीं मिलेगा. ओके, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनॉन. Now the next point of difference is in between acetamide and ethylamide. Acetamide is CH3CONH2. Ethylamide is CH3CH2NH. तो राइटिंग द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला CH3CONH2CH3CH2NH2. तो यहां पे क्या है C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है, C डबल बॉन्ड O एब्सेंट है. यहाँ पे CH2 प्रेजेंट है, यहाँ पे CH2 एब्सेंट है. एक और बात है यहाँ पे C सिंगल बॉन्ड N, यहाँ पे जो C सिंगल बॉन्ड N है, यहाँ पे जो C सिंगल बॉन्ड N है उसमें क्या डिफरेंस है वो मैं भी बताता हूँ. तो फर्स्ट डिफरेंस इज कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, वहां पे कार्बोनिल ग्रुप एब्सेंट है ड्यू टू C double bond O, the band is observed in between 1690 to 1760 centimeter inwards. तो यहाँ पे C double bond O group है, तो ये जो C double bond O group के वजह से मुझे band काफी मिलेगा 1690 से 1760 के बीच में फॉर एसिटामाइड. फॉर इथेलामाइड नो सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप इज प्रेजेंट एंड ए सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप इज एब्सेंट सो नो बैंड इज ऑब्जर्व. क्लियर. सेकंड पॉइंट इज, अब एक बात आपको याद रखना है कि एसिटामाइड रेजोनेंस शो करता है एंड इथेलामाइड कोई रेजोनेंस नहीं करता. Because of this C double bond O, तो ये bond यहाँ पे shift होगा, इसके वजह से resonating structure.
शो करता है, बट सेम वे इथाइलेमाइन रेजोनेंस शो नहीं करता। सो द सी एंड बॉन्ड, तो सी एंड बॉन्ड का क्या है रेंज 1182 1360। ड्यू टू रेजोनेंस सी एंड बैंड इज ऑब्जर्व बिटवीन 1182 1360 सेंटीमीटर इनवर्स। हियर ऑल्सो ड्यू टू सी एन, यहां पर भी सी एन तो है, तो बैंड इज ऑब्जर्व एट 1182 1360। तो दोनों में क्या है 1182 1360 के बीच में बैंड मिलता है। डिफरेंस इज इट इज एट हायर लेवल, दिस इज एट लोअर लेवल। दिस इज एट लोअर लेवल एंड दिस इज एट हायर लेवल, क्योंकि यहां पे रेजोनेंस है वहां पे रेजोनेंस नहीं है। थर्ड डिफरेंस क्या है, यहाँ पे CH2 नहीं है, यहाँ पे CH2 है ड्यू टू CH2 बैंड इज ऑब्जर्व एट 1352 1470 सेंटीमीटर रेडियस। सो ड्यू टू CH2 बैंड इज ऑब्जर्व इन एट 1352 1470 सेंटीमीटर इनवर्स। हियर CH2 इज एब्सेंट, सो नो बैंड इज ऑब्जर्व। तो यहां पे कोई CH2 बैंड नहीं दिखता क्योंकि इसमें CH2 बैंड है नहीं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसिटामाइड एंड इथाइलामाइड? एसिटामाइड एंड इथाइलामाइड का फर्स्ट डिफरेंस क्या है कि उसमें CO ग्रुप है, इसमें CO ग्रुप नहीं है। सेकंड डिफरेंस क्या है कि इसमें CH2 है, उसमें CH2 नहीं है। थर्ड डिफरेंस क्या है, यहां पे CN और यहां पे जो CN है, यहां पे रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो सकता है, यहां पे रेजोनेंस नहीं हो सकता। तो इसका जो बैंड मिलेगा वो हायर लेवल पे होगा ड्यू टू द रेजोनेंस, एंड इसका जो बैंड मिलेगा वो लोअर लेवल पे होगा ड्यू टू एब्सेंस ऑफ रेजोनेंस। एंड ऑन दिस अब जो डिफरेंस बिटवीन आएगा वो किसके बीच में है, इन बिटवीन एसिटिक एसिड एंड एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एसिड एंड एसिटिक एनहाइड्राइड के बीच में कौन सा डिफरेंस हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ आईआर स्पेक्ट्रा? सो ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चरल फार्मूला एसिटिक एसिड इज CH3COOH एंड एसिटिक एनहाइड्राइड इज CH3COOCH3। क्लियर? तो यहां पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा डिफरेंस है, यहाँ पे C double bond O है, यहाँ पे acidic functional group है, and यहाँ पे क्या है, here anhydride functional group is present। तो यहाँ पे जो band मिलेगा वो CO के वजह से होगा, and यहाँ पे जो band मिलेगा वो anhydride के वजह से होगा। This is your anhydride। Clear? तो what is the first point? Due to C double bond O, the band is observed in between 1690 to 1760। तो ये जो C double bond O है वो 1690 से 1760 के बीच में है because of the C double bond O group। Why? In acetic anhydride, anhydride group is present। So CO2, CO twice O, CO twice O, due to the anhydride group, two bands are observed। CO twice O में दो band मिलते हैं, two bands are observed at 1740 to 1790 and 1800 to 1850 centimeter inverse। तो इससे मुझे पता चल गया कि एसिटिक एनहाइड्राइड में एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। नेक्स्ट यहां पे डिफरेंस है कि यहां पे OH ग्रुप है, यहां पे OH ग्रुप नहीं है। तो यहां पे मुझे OH ग्रुप का बैंड मिलेगा और यहां पे OH ग्रुप का बैंड नहीं मिलेगा। सो ब्रॉड बैंड इज ऑब्जर्वड एट 2500 टू 3000 OH ग्रुप के वजह से 2500
से 3000 के बीच में एक बैंड मिलता है फॉर एसिटिक एसिड। ओके, सो ये जो बैंड है वो किसके वजह से मिल रहा है, ड्यू टू OH स्ट्रेचिंग एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सिमिलरली यहां पे एसिटिक एनहाइड्राइड में OH ग्रुप एब्सेंट है तो कोई IR बैंड दिखता नहीं है। क्लियर? सो एसिटिक एसिड एंड एसिटिक एनहाइड्राइड में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट डिफरेंस इज दैट एसिटिक एसिड में CO ग्रुप है, दैट इज कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है, एंड एसिटिक एनहाइड्राइड में एनहाइड्राइडिक फंक्शनल ग्रुप है। सेकंड डिफरेंस क्या है कि इसमें OH ग्रुप प्रेजेंट है, इसमें OH ग्रुप एब्सेंट है। तो OH ग्रुप एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से यहां पे मुझे 2500 एंड 3000 के बीच में एक बैंड मिलेगा, बट यहां पे कोई OH ग्रुप प्रेजेंट ही नहीं है, सो आई विल नॉट गेट एनी बैंड इन बिटवीन दैट OH रेंज। डिफरेंस हो गया। अब थोड़े एमसीक्यूज करते हैं जो विच इज वेरी बेसिक, जो बेसिक है लेकिन आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन दिस एसिटिक एसिड डिफरेंस बिटवीन एसिटिक एसिड एंड एसिटिक एनहाइड्राइड। उसके बाद अपने एक एमसीक्यू करते हैं विच इज ऑफ द बेसिक लेवल बेसिक केमिस्ट्री के एमसीक्यूज। ओके, राइट डाउन दिस। अब हम थोड़ा एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, द ड्रग्स कैफीन टैनिन एंड निकोटीन आर। तो क्वेश्चन क्या है, कैफीन टैनिन एंड निकोटीन कौन से क्लास में आते हैं? सो दे कम इन एल्कलॉइड्स। सो एल्कलॉइड्स आर अ क्लास ऑफ नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ प्लांट ओरिजिन विच हैव pronounced physiological actions on humans. They include many drugs and poisons. Alkaloid जो है वो nitrogenous organic compound का class है जो mostly plants में से मिलता है. Drugs such as morphine and quinine and poisons such as atropine, strychnine, ये सब जो है alkaloid के class में आता है. Next question, colored glass, coral, रूबी ग्लास, मेटल एलॉयस आर कोलोइडल सॉल्यूशंस ऑफ। ये सब जो है वो कोलोइडल सॉल्यूशन है, लेकिन कौन से टाइप के कोलोइडल सॉल्यूशन है? दे आर सॉलिड इन अ सॉलिड टाइप ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। ओके, विच कार्बोहाइड्रेट इज नॉट अ हेक्सोस। अब इन चारों में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट हेक्सोस नहीं है? तो ग्लूकोस, फ्रुक्टोस एंड मैनोस, ये तीनों हेक्सोस है, लेकिन लैक्टोज जो है वो हेक्सोस नहीं है। सो योर आंसर इज लैक्टोज। अ हेक्सोस इज अ मोनोसैकेराइड विद 6 कार्बन एटम्स। उसका केमिकल फार्मूला क्या होगा? C6H12O6। लेकिन लैक्टोज का केमिकल फार्मूला क्या है? C12H22O11। सो ये हेक्सोस नहीं है। विनेगर इज द ट्रेड नेम ऑफ। कौन से केमिकल का ट्रेड नेम विनेगर है? सो द आंसर इज एसिटिक एसिड। विनेगर इज एन एक्यूस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड एंड ट्रेस केमिकल्स विच में इंक्लूड फ्लेवरिंग्स। तो एसिटिक एसिड का जो एक्यूस सॉल्यूशन होता है उसको हम बोलते हैं विनेगर। अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन का जो pH है दैट इज बेसिक, तो इसका आंसर है एल्कलीन। The solution of potassium nitrate is alkaline. How is the degree of hardness of water expressed? Hardness of water कैसे express किया जाता है? In terms of calcium carbonate. तो the answer is ppm of calcium carbonate. Hardness of water is determined by concentration of multivalent cations in water. तो जब हार्डनेस ऑफ वाटर डिटरमाइन करना है तब अपने क्या किसका क्या देखते हैं? द नंबर ऑफ कैटाइंस इन वाटर। मल्टीवैलेंट कैटाइंस आर पॉजिटिवली चार्ज मेटल कॉम्प्लेक्स विद अ चार्ज ग्रेटर देन +1। तो इसमें क्या है, +1 चार्ज का जो कैटाइन होगा वो हार्डनेस ऑफ वाटर डिटरमाइन करता है। मोस्टली क्या है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के आयंस कैटाइंस होते हैं जो हार्डनेस ऑफ वाटर बढ़ाते हैं। व्हाट इज विनेगर? विनेगर इज 5 to 20% ऑफ एसिटिक
एसिड, ओके, गोबर गैस का क्वेश्चन। गोबर गैस इज अ मिक्सचर ऑफ, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो काउडंग गैस या गोबर गैस जो है वो CH4, CO2 एंड H2 का मिक्सचर है। सैंड इज, व्हाट इज सैंड? सैंड मोस्टली कंटेन सिलिका, सो इट इज SiO2, सैंड इज SiO2। रेन वाटर हेल्प्स टू इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डैश इन द सॉइल। तो रेन वाटर जो है वो सॉइल में कौन सा कंटेंट बढ़ाता है? इट इंक्रीजेस द नाइट्रोजन कंटेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन प्रोटीन। तो प्रोटीन में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता? तो प्रोटीन में कार्बन एंड ऑक्सीजन तो प्रेजेंट ही है, साथ में नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है। सो द ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज सल्फर। तो सल्फर इज नॉट फाउंड इन प्रोटीन। हैवी वाटर इज द नेम गिवन टू, हैवी वाटर इज द नेम गिवन टू D2O। ये तो बहुत ही ईजी था। तो द फॉर्मूला ऑफ हैवी वाटर इज D2O। हैवी वाटर D2O ऑल्सो कॉल्ड ड्यूटेरियम ऑक्साइड कंसिस्ट ऑफ द हाइड्रोजन आइसोटोप ड्यूटेरियम। जो ड्यूटेरियम का मास है वो ऑर्डिनरी हाइड्रोजन से डबल होता है। ओके, मैग्नेट्रॉन इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ विच वेव्स। माइक्रोवेव्स के प्रोडक्शन के लिए अपने मैग्नेट्रॉन यूज करते हैं। द मैग्नेट्रॉन इज अ हाई पावर्ड वैक्यूम ट्यूब दैट वर्क्स एज अ सेल्फ एक्साइटेड माइक्रोवेव ऑसिलेटर। क्रॉस्ड इलेक्ट्रॉन एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर यूज इन मैग्नेट्रॉन टू प्रोड्यूस द हाई पावर आउटपुट रिक्वायर्ड इन रडार इक्विपमेंट। द फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव्स प्रोड्यूस द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज डिटरमाइंड बाय द कैविटीज फिजिकल डायमेंशंस। तो ये जो मैग्नेट्रॉन है वो माइक्रोवेव्स प्रोड्यूस करने के लिए अपने यूज करते हैं। नाउ व्हाट इज एक्वारीजिया? एक्वारीजिया अपने को पता है कि इट इज अ मिक्सचर ऑफ HNO3 एंड HCl इन द रेशियो ऑफ 3:1। तो द ऑप्शन इज HCl एंड HNO3। एक्वारीजिया इज अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑप्टिमली इन द मोलर रेशियो ऑफ 1:3। अब एक्वारीजिया जो है वो येलो ऑरेंज कलर का लिक्विड है। एक्वारीजिया, उसका नाम क्यों एक्वारीजिया है? बिकॉज वो इवन नोबल मेटल्स, गोल्ड और प्लेटिनम को भी वो उसके अंदर डिजोल्व कर सकता है, इसलिए उसका नाम है एक्वारीजिया। द फर्टिलाइजर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ टोबैको। टोबैको का अगर कल्टीवेशन किया जाता है तो कौन सा फर्टिलाइजर यूज़ किया जाता है? पोटेशियम नाइट्रेट। ओके, तो पोटेशियम नाइट्रेट इज़ यूजफुल फॉर टोबैको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स इज यूज्ड इन ब्यूटी पार्लर्स फॉर हेयर सेटिंग। मोस्टली जो हेयर के ऊपर जो केमिकल्स यानी शैम्पू या हेयर सेटिंग जेल, उसमें कौन से केमिकल्स यूज होते हैं? मोस्टली इट इज़ सल्फर बेस्ड। क्लियर, तो सल्फेट होता है मोस्टली शैम्पू एंड हेयर बेस्ड प्रोडक्ट्स में। द ओर ऑफ मैंगनीज, मैंगनीज के ओर का नाम क्या है? द ओर ऑफ मैंगनीज इज फ्रोलोसाइट। ओके, तो द ओर ऑफ मैंगनीज इज फ्रोलोसाइट। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कंडक्ट्स करंट बाय। कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है उसमें इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास होता है? बाय द आयंस Cu2+ एंड SO42- जो आयंस प्रेजेंट है सॉल्यूशन में उसके वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है। ओके, मैच द फॉलोइंग विद द लिस्ट। अब कार्बोलिक एसिड का एग्जांपल क्या है? कार्बोलिक एसिड इज फिनॉल। सब्स्टिट्यूट फॉर पेट्रोल, सब्स्टिट्यूट ऑफ पेट्रोल इज एलिफैटिक ईथर। आलमंड इज अ बेंजाल्डिहाइड। बेंजाल्डिहाइड का स्मेल कैसा है? लाइक अ बीटर आलमंड। एंड परफ्यूम इज एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन में, परफ्यूम में एसिटोफिनोन अपने यूज करते हैं। सो द ऑप्शन इज सी। फर्स्ट एटॉमिक मॉडल वॉज प्रपोज बाय जॉन डॉल्टन। ओके, तो ये जो फिगर था, जो फोटो था, वो साइंटिस्ट जॉन डाल्टन का था। लैक ऑफ एसेंशियल एमिनो एसिड इन डाइट कॉसेस क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर नाम का एक डिजीज़ है, वो किससे होता है? अपने शरीर में एमिनो एसिड की कमी जब आती है तब क्वाशियोरकर डिजीज़ होता है।
अब हनी कंटेंट्स, हनी में मोस्टली क्या प्रेजेंट होता है? ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज. सो योर आंसर इज 1 and 3. नंबर ऑफ एमिनो एसिड दैट कैन बी सिंथेसाइज्ड इन द ह्यूमन बॉडी इज, ह्यूमन बॉडी में कितने एमिनो एसिड खुद सिंथेसाइज होते हैं? 11. टोटल जो 20 एमिनो एसिड है उसमें से जो 11 है वो अपने अंदर ही सिंथेसाइज, बॉडी के अंदर ही सिंथेसाइज हो जाता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोमोलिक्यूल ऑफ अल्फा एमिनो एसिड? अल्फा एमिनो एसिड का डेरिवेटिव क्या है इसमें? इट इज़ ग्लूटोनिक एसिड. ग्लूटोनिक एसिड इज एन एमिनो एसिड, अल्फा एमिनो एसिड दैट इज यूज इन द बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स. अब तीन स्टेटमेंट दिया हुआ है. व्हाट इज द फर्स्ट स्टेटमेंट? बेकेलाइट इज ऑब्टेंड फ्रॉम फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड. दैट इज द फर्स्ट स्टेटमेंट, दैट इज ट्रू. बेकेलाइट इज अ रेजिन, अर्ली फॉर्म ऑफ प्लास्टिक. या दैट इज ऑल्सो ट्रू. बेकेलाइट एक रेजिन है वो, और वो प्लास्टिक का एक अर्ली फॉर्म है. थर्ड, बेकेलाइट इज अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. ये भी करेक्ट है. सो ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स गिवन हियर आर करेक्ट. तो ये सारे जो MCQs है वो आपके कोर्स में नहीं है, स्टिल आपको पता होना चाहिए कि ये जो बेसिक केमिस्ट्री है कोई भी पूछ सकता है. आपने केमिस्ट्री सब्जेक्ट लिया हुआ है, सो यू शुड नो ऑल दिस स्टफ. ओके.